जय श्री महाकाल। एक बार फिर से आप सबका बहुत बहुत स्वागत अभिनंदन करते हैं हम आपके अपने परिवार में। तो चलिए आज बात करते हैं लेक्चर नंबर 3 की, जिसमें हम लोग थ्योरी ऑफ डिमांड के बारे में पढ़ रहे हैं। और थ्योरी ऑफ डिमांड का ये आप लेक्चर नंबर 3 पढ़ने जा रहे हो। इससे पहले क्या क्या हमने पढ़ा है एक बार रिवाइज कर लेते हैं। बेटा जी, सबसे पहले आपने तो ये जाना था कि डिमांड होता क्या है, और डिमांड के लिए मैंने आपको 3 फैक्टर बताए थे। और वो 3 फैक्टर क्या हैं? डिजायर टू बाय, कैपेसिटी ऑफ मनी, और तीसरा क्या है आपका, विलिंगनेस टू स्पेंड द मनी। ये 3 फैक्टर अगर आपके पास हैं तो आप कह सकते हो कि सर ये हमारी डिमांड है। और फिर उसके बाद आपने क्वांटिटी डिमांड के बारे में समझा था कि ये क्वांटिटी डिमांड क्या होता है, जिसमें मैंने आपको बताया था कि स्पेसिफिक प्राइस पे आप जितना भी स्पेसिफिक क्वांटिटी डिमांड करते हैं वही आपका क्या कहलाता है, क्वांटिटी डिमांड कहलाता है। फिर आपने डिजायर और डिमांड के बारे में जाना था। डिजायर और डिमांड दोनों क्या होते हैं, अलग अलग होते हैं। डिजायर आपका फर्स्ट स्टेज होता है, और जबकि डिमांड आपका क्या होता है, लास्ट स्टेज होता है। इफेक्टिव डिमांड जो होती है वो 3 पॉइंट पे इफेक्ट करती है, या 3 कंपोनेंट पे इफेक्ट करती है, जैसा कि अभी अभी आप लोगों ने कुछ देर पहले देख ही लिया था। फिर उसके बाद हमने क्वांटिटी डिमांड, ये हो गया हमारा। फिर साथ ही साथ हमने कंपोनेंट ऑफ द डिमांड, या जिसे हम एलिमेंट ऑफ डिमांड के नाम से जानते हैं, इसमें आपने 5-4 पॉइंट पढ़े थे। पहला डिजायर, दूसरा मनी, तीसरा रेडिंगनेस, और चौथा आपका क्या है, रिलेशन था, रिलेशन टू अ पर्टिकुलर प्राइस, टाइम एंड प्लेस। फिर उसके बाद हम लोगों ने डिटर्मिनेशन ऑफ डिमांड के बारे में जाना था। तो डिटर्मिनेशन ऑफ डिमांड में मैंने आपको 2 पॉइंट समझाए थे। जब भी डिमांड का डिटर्मिनेशन किया जाएगा, या डिमांड को जब भी हम कैलकुलेट करेंगे, तो 2 तरीके से ही कैलकुलेट करेंगे। एक आपका इंडिविजुअल रहेगा, और दूसरा आपका क्या रहेगा, मार्केट रहेगा। इंडिविजुअल में हमने आपको क्या कहते हैं, इंडिविजुअल डिमांड शेड्यूल भी समझाया था। आपको मैंने क्या समझाया था, इंडिविजुअल डिमांड शेड्यूल समझाया था, और साथ ही साथ मैंने इंडिविजुअल डिमांड कर्व भी आपको समझाया था। ठीक उसी प्रकार मैंने आपको मार्केट डिमांड शेड्यूल भी समझाया था, और मार्केट डिमांड कर्व भी आपको समझा दिया था। अब आप हमारा जो प्रीवियस लेक्चर है, उस प्रीवियस लेक्चर से जाकर इन सारी चीज़ों को क्या कर सकते हैं बेटा, पढ़ सकते हैं। अब आज की क्लास में हम क्या कंटिन्यू करेंगे, देखो जब हम इंडिविजुअल डिमांड फंक्शन की बात करेंगे, या डिमांड फंक्शन के डिटर्मिनेशन की बात करेंगे, तो डिमांड फंक्शन का जो डिटर्मिनेशन होता है वो 2 पॉइंट पे होता है। एक हो गया आपका क्या, इंडिविजुअल, और दूसरा क्या हो गया आपका, मार्केट। तो इंडिविजुअल में आपको कितने पॉइंट पढ़ने हैं बेटा, 5 पॉइंट पढ़ने हैं। और अगर हम मार्केट की बात करें तो मार्केट में भी आपको कितने पॉइंट पढ़ने हैं, 5 पॉइंट पढ़ने हैं। यानी ये वो फैक्टर हैं जिनकी वजह से इंडिविजुअल डिमांड और मार्केट डिमांड आपकी क्या करती है, इफेक्ट कर जाती है। ठीक है, इंडिविजुअल डिमांड में सबसे पहला पॉइंट हमारा क्या है, प्राइस ऑफ ऑन कमोडिटी, जिसमें मैंने आपको बताया था कि जो कॉमोडिटी है, जो आपका गुड्स है, वो आपके डिमांड को कैसे इफेक्ट करेगी। भाई अगर प्राइस बढ़ती है तो डिमांड ऑटोमेटिक क्या हो जाएगी, रिड्यूस हो जाएगी, और अगर प्राइस घटती है तो डिमांड ऑटोमेटिक क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी। ये आपको कॉन्सेप्ट मैंने बताया था। फिर उसके बाद हमने दूसरा पॉइंट भी कवर कर लिया था, जिसे आपने पढ़ा था, प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स। तो प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स में बेटा आपने कितने गुड्स पढ़े थे, 2 गुड्स पढ़े थे। एक आपने सब्स्टिट्यूट गुड्स पढ़ा था, और दूसरा आपने क्या पढ़ा था, कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स पढ़ा था। तो सब्स्टिट्यूट गुड्स क्या होता है, जिसे हम इजली क्या कर सकते हैं, रिप्लेस कर सकते हैं, जिसे हम इजली क्या कर सकते हैं, रिप्लेस कर सकते हैं। साथ ही साथ मैंने आपको ये भी बताया था कि अगर एक सब्स्टिट्यूट गुड्स का प्राइस चेंज हो रहा है, तो उसका इफेक्ट आप दूसरे सब्स्टिट्यूट गुड्स की क्वांटिटी में देखेंगे। सही है, यानी मैंने आपको यह बताया था लास्ट क्लास में कि अगर किसी भी सब्स्टिट्यूट गुड्स का, ठीक है, जैसे मान लीजिए ए और बी, ठीक है, दोनों सब्स्टिट्यूट हैं, तो अगर ए सब्स्टिट्यूट गुड्स का प्राइस इंक्रीज हो रहा है,
तो बी सब्स्टिट्यूट गुड्स क्या, क्वांटिटी क्या हो जाएगा, ऑटोमेटिक इंक्रीज कर जाएगा। और अगर ए सब्स्टिट्यूट गुड्स का प्राइस डिक्रीज हो रहा है तो बी सब्स्टिट्यूट गुड्स का क्वांटिटी आपका क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा। क्यों? क्योंकि बी वाले में जो प्राइस है वो आपका क्या रहेगा, अनचेंज रहेगा। वो आपका क्या रहेगा बेटा, अनचेंज रहेगा। तो ये सारी बातें हमने लास्ट क्लास में कर लिया था, यानी आपके लेक्चर नंबर 2 में कर लिया है। कंपोजिट गुड्स में मैंने आपको क्या बताया था कि अगर आप जैसे कंपोजिट गुड्स में मैंने कंप्लीमेंट्री या कंपोजिट गुड्स में मैंने आपको क्या बताया था, देखेंगे, जिसे हम कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स भी कहते हैं। तो कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स में मैंने आपको क्या बताया था कि अगर मान लीजिए दो प्रोडक्ट हैं ए और बी, इन दोनों को आप रिप्लेस नहीं कर सकते, यानी अगर आप इनके यूज की बात करेंगे तो इनका जो यूज होगा वो कैसे होगा बेटा, एक साथ होगा। इनका जो यूज होगा वो क्या होगा आपका, एक साथ होगा। जैसे मैंने कार और पेट्रोल का एग्जाम्पल आपको दिया था, चाय और चीनी का एग्जाम्पल आपको मैंने दिया था लास्ट क्लास में। तो अगर ये आपकी कार है या आपका क्या है, पेट्रोल है, तो अगर कार की डिमांड बढ़ रही है, अगर कार की क्या हो रही है बेटा, डिमांड बढ़ रही है, जैसे मान लीजिए कार की डिमांड बढ़ेगी कब, जब कार का प्राइस रिड्यूस होगा तो कार की डिमांड ऑटोमेटिक क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी, है ना। कार की डिमांड ऑटोमेटिक क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। और जैसे ही कार की डिमांड ऑटोमेटिक बढ़ी, यानी जो आपका पेट्रोल है उसकी डिमांड भी तो ऑटोमेटिक क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी कि नहीं बढ़ जाएगी, उसकी भी ऑटोमेटिक डिमांड क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। तो ये सारी बातें हम लोगों ने लास्ट क्लास में कवर कर लिया था। आज हम अपने तीसरे फैक्टर की तरफ चलेंगे। अच्छा, तीसरा फैक्टर भी हमारा कवर हो चुका था, और तीसरा फैक्टर हमारा क्या था, इनकम ऑफ द कंज्यूमर। तीसरा फैक्टर हमारा क्या था आपका, इनकम ऑफ द कंज्यूमर, यानी प्राइस ऑफ द कमोडिटी, प्राइस ऑफ द रिलेटेड गुड्स एंड इनकम ऑफ द कंज्यूमर हमारा ऑलरेडी क्या हो चुका है, कवर हो चुका है। अच्छा, इनकम ऑफ कंज्यूमर में मैंने आपको क्या बताया था कि अगर किसी भी कंज्यूमर की जो इनकम होती है बेटा, वो नेचर ऑफ गुड्स पर डिपेंड करती है, यानी हम कौन सा डिमांड करेंगे, हमारी क्या डिमांडिंग होगी, वो डिमांडिंग हमारे नेचर ऑफ गुड्स पर रहेगी। अगर हमारे पास पैसा बढ़ रहा है, हमारे पास क्या बढ़ रहा है बेटा, पैसा बढ़ रहा है, तो हम लोग नॉर्मल गुड्स की डिमांड ज़्यादा करेंगे। अगर हमारे पास पैसा कम हो रहा है तो नॉर्मल गुड्स की डिमांड कम हो जाएगी, लेकिन जो आपके ग्रिफिन गुड्स हैं, जो आपके इन्फीरियर गुड्स हैं, उनकी जो डिमांड है वो ऑटोमेटिक क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। ये चीज़ें आपको लास्ट क्लास में मैंने क्या करा दिया था, कवर करा दिया था। तो आज की क्लास में सबसे पहले हम चर्चा करेंगे अपने चौथे एलिमेंट का, और चौथा एलिमेंट हमारा क्या है, टेस्ट एंड प्रेफरेंस। चौथा एलिमेंट क्या है हमारा, टेस्ट एंड प्रेफरेंस ऑफ द कंज्यूमर। ये डायग्राम आप लोग अपनी अपनी कॉपी में बना लीजिए, जिससे आपको समझने में बहुत आसानी रहे, ठीक है। तो जब भी हम टेस्ट एंड प्रेफरेंस की बात करेंगे, देखिए एक चीज़ जानिए, जो कस्टमर की डिमांड होती है वो टेस्ट पर बहुत ज़्यादा डिपेंड रहती है। जैसे सपोज करिए कि जो यंग जनरेशन के बच्चे होते हैं, जैसे मान लीजिए 10 साल की उम्र से लेकर 25 साल की उम्र तक, 10 साल की उम्र से लेकर 25 साल की उम्र तक जितने भी इस कैटेगरी के बच्चे हैं, ये ज़्यादा से ज़्यादा जंक फूड खाना प्रेफर करते हैं। जंक फूड का मतलब बर्गर खाना पसंद करेंगे, पिज़्ज़ा खाना पसंद करेंगे, मोमोज खाना पसंद करेंगे, पानी पूरी खाना पसंद करेंगे, टिक्की खाना पसंद करेंगे। मतलब इनको घर का खाना ज़्यादा पसंद नहीं आएगा, लेकिन इनको दाल चावल रोटी के जगह अगर मैगी बना के दे दो तो बड़े प्यार से खा लेंगे। सही है कि गलत है, सही है कि गलत है, बताइए भैया, सही है ना। तो यानी सीधी सी बात है, अगर कोई कस्टमर किसी भी चीज़ को पसंद कर रहा है तो उसका प्राइस चाहे बढ़े या प्राइस चाहे क्या हो, घटे, उससे कोई इफेक्ट पड़ेगा क्या, उससे कोई इफेक्ट पड़ेगा क्या, नहीं पड़ेगा। एक एग्जांपल देते हैं आपको हम, जब लॉकडाउन खुला था तो सबसे पहले किसकी दुकान, सबसे पहले किस चीज की दुकान खोली गई थी, लिकर की, दारू की दुकानें सबसे पहले खोली गई थी। और आप यकीन मानिए, एक एक कस्टमर 5-5 लाख रुपए की दारू लेकर गए थे,
5 लाख तो मैं बहुत कम आंकड़ा बता रहा हूँ, तो ये आप जानिए। अरे छोड़िए, लॉकडाउन छोड़िए, अभी 2 दिन पहले होली बीती है ना, तो होली से 1 दिन पहले लोग कोटा रखने लगते हैं, कहते हैं 3 बोतल, 4 बोतल, 5 बोतल, यानी टेस्ट एंड प्रेफरेंस, यानी जिस चीज में वो अपना टेस्ट खोज लेते हैं उसमें, फिर ये नहीं देखते कि वो प्राइस क्या है। जैसे जो गुटखा है कितनी खराब चीज है, सिगरेट है कितनी खराब चीज है, दारू कितनी खराब चीज है, लेकिन लोग उसको खरीद रहे हैं कि नहीं खरीद रहे हैं? खरीद रहे हैं। एक एग्जांपल और देते हैं आपको बेटा, आजकल मार्केट में एक ठो एनर्जी ड्रिंक आई है, ठीक है, नीली और लाल, लाल लाल और नीली नीली कलर की, ठीक है ना, है कि नहीं है? है। वो आपकी 20 रुपए की 20 ml मिलती है। 20 रुपए की कितनी मिलती है? 20 ml मिलती है, सही है। और 1 लीटर में मेरे ख्याल से 100 ml होते हैं। 1 लीटर में कितने होते हैं आपके? 100 ml होते हैं, सही है ना। तो यानी 20 रुपए का 20 ml, तो 100 ml कितने रुपए का हो गया? 100, यानी 1 लीटर के रुपए का भाई साहब, सही है। अच्छा, एक बढ़िया दूध गाय का या भैंस का कितने रुपए का मिलता होगा? 60 रुपया, 60 रुपया लीटर, ठीक है, कितना रुपया? 60 रुपया लीटर, बहुत बढ़िया दूध। अब बताइए, ये ज्यादा पसंद, ये ज्यादा फायदेमंद है या ये दूध ज्यादा फायदेमंद है? दूध ना, लेकिन दूध अगर दे दो बच्चों को पीने के लिए, तो ना नकुर सब करने लगते हैं, नाक पकड़ के, अरे मम्मी सर दर्द होने लगेगा, नहीं पियेंगे ये, अगर मतलब दुनिया भर के बहाने। लेकिन अभी ये दे दो उनको, बोतल पे बोतल गटक जाएंगे। तो ये चीज भी देखनी है, टेस्ट एंड प्रेफरेंस, टेस्ट एंड प्रेफरेंस। बात समझ में आ गई बेटा? देखिए इसमें, देखिए एक चीज समझिए, जैसे जिस चीज का चलन मार्केट में चलता है, लोग उसको ज्यादा खरीदना भी पसंद करते हैं। पहले की टीवी कैसे थी? पहले की टीवी कैसे आती थी, याद है? ये स्क्रीन होती थी मान लीजिए, और इसके पीछे ये आपकी स्क्रीन होती थी, इसके पीछे ऐसे गोल सा डब्बा होता था, ऐसी टीवी होती थी। फिर टीवी का आकार धीरे धीरे घटता चला गया। आजकल तो एकदम सिंगल स्लाइडेड टीवी आ रही है, सिंगल स्लाइडेड टीवी आ रही है। अब इस तरीके की टीवी कोई नहीं खरीदना चाहता। अब लोग या तो ये प्रिफर कर रहे हैं या तो ये प्रिफर कर रहे हैं। यानी कहने का सीधा सीधा मतलब है कि जैसे जैसे समय बीत रहा है, वैसे वैसे लोगों का जो टेस्ट है वो ऑटोमेटिक क्या होता जा रहा है? बदलता जा रहा है। ऑटोमेटिक क्या होता जा रहा है? बदलता जा रहा है। सही है कि गलत है बेटा? सही है। आगे देखिए क्या लिखा है इसमें। कहता है द डिमांड ऑफ द कमोडिटी इज ऑल्सो डिपेंड अपॉन द टेस्ट एंड प्रेफरेंस। देखिए टेस्ट, टेस्ट तो आप समझ गए, प्रेफरेंस मतलब क्या होता है? प्रेफरेंस का मतलब होता है बेटा प्रायोरिटी। प्रेफरेंस का मतलब क्या होता है? प्रायोरिटी। जैसे एक कंज्यूम, एक मान लीजिए दिहाड़ी मजदूर है, दिन भर काम करता है, दिन भर क्या करता है बेटा? काम करता है। अब काम करने के बाद इसको दिन के आखिरी में 500 रुपया मिलता है, ध्यान से समझना, दिन के आखिरी में इसको कितना रुपया मिलता है? 500 रुपया मिलता है। तो ये 500 रुपया घर जाते जाते 200 रुपये में कन्वर्ट हो जाता है, या 200 नहीं या 300 रुपये में कन्वर्ट हो जाता है। यानी मिला कितना, लेकिन घर पे पहुंचा कितना? चलो 300 मान लो, तो ये 200 गया कहां? 200 गया कहां सर? सर 200 गया कुछ बच्चे समझ गए हैं कौन कौन समझा, समझे? अरे क्या कहते हैं, क्वार्टर कहते हैं, क्या कहते हैं, आधा पौआ जो भी है। तो प्रेफरेंस यानी घर पे दाल चावल रोटी बाद में आएगी, सबसे पहले ये चाहिए हमको, यानी जो सबसे पहले प्रायोरिटी है हमारे लिए। प्रायोरिटी मतलब हम सबसे पहले किस चीज को खरीदना चाहेंगे। दाल चावल तो आती रहे, दाल चावल तो आता रहेगा, लेकिन सबसे पहले जो हमारी प्रायोरिटी है ना, उसको हम पहले लेना पसंद करेंगे। ये चीज आप भी समझिए। आगे लिखिए, आगे देखिए क्या लिखा है। कहता है कंज्यूमर एंड चेंज इन ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम,
यानी समय समय पे आपका टेस्ट और प्रेफरेंस क्या होता रहता है, बदलता रहता है। जब आप छोटे थे तो आपको डोरेमोन अच्छा लगता था, आपको निंजा हथौड़ी अच्छा लगता था, है ना, आपको डोरेमोन वाला लंच बॉक्स अच्छा लगता था। लेकिन जैसे जैसे आपकी एज आती गई, आप बढ़ते गए, डोरेमोन से बढ़कर आप किसी और पे चले गए। पहले डोरेमोन अच्छा लगता था, अब कटरीना कैप अच्छी लगती हैं। आजकल कौन हीरोइन चल रही हैं भाई मार्केट में? आलिया भट्ट और एक तो और कोई साउथ की हैं, जो भी हैं, ठीक है। तो आपका पहले क्या लगता था, पहले आपका एज आप अपने हिसाब से चलते थे, अब जैसे जैसे आप बड़े होते गए आपका टेस्ट बदलता चला गया, है ना। आप दूध पीने वाले इंसान कब से क्या क्या से क्या पीने लगे, राम जाने, ठीक है। तो ये चीजें आप देखिए, फिर आगे देखिए क्या कहता है। कहता है गुड्स विच आर द मॉडर्न और अ मोर इन द फैशन कमांडेड हाई डिमांड देन गुड्स विच आर ओल्ड डिजाइन एंड आउट ऑफ द फैशन। मतलब जो फैशन में है उसकी डिमांड ज्यादा है, और जो फैशन से आउट हो गया उसकी डिमांड भी ऑटोमेटिक क्या हो गई, कम हो गई डिमांड। अच्छा सर, फैशन कौन डिसाइड करता है? देखो, हमारे देश की जो जनता है ना, वो बहुत ज्यादा समझदार है, और समझदार मैं किस सेंस में बोल रहा हूँ वो आप समझ लेना, ठीक है। मैं डायरेक्टली बोल नहीं सकता, लेकिन हाँ, बहुत ज्यादा समझदार है। कारण क्या कि कोई भी 2% का हीरो या हीरोइन कुछ भी पहन के दिखा देगा और हम उसको फॉलो कर लेते हैं, यानी हम अपने कल्चर को फॉलो नहीं करते, हम अपने कल्चर को फॉलो नहीं करते। लेकिन वही 2% का कोई भी आके डांस वांस कर दे, कुछ भी फटा सटा कपड़ा पहन के नाच दे, अगले दिन से मार्केट में बूम आ जाती है, भैया खरीदो इसको, इसको क्या करो, खरीदो। लेकिन मेंटेलिटी है आप लोगों की, अब इसमें हम क्या कर सकते हैं। तो जो चीज आपकी फैशन में है उसको लोग फॉलो करते हैं। जैसे मान लीजिए एक बार विराट कोहली ने कोई हेयर कट लगाया था, अपना हेयर कट कराया, उसकी डिमांड मार्केट में आ गई, लोग उसी की तरीके से हेयर कट करवाने लगे। किसी हीरोइन ने कोई टी शर्ट पहन लिया, मार्केट में वो बिकने लगा, ठीक है। यहाँ तक कि बिंदी चूड़ी और जो साड़ी होती है ना, वो सीरियल के एक्टर के वो जो एक्ट्रेस होती है उनके नाम पे बिकती है, हाँ, फोटो लगी रहती है, ठीक है। तो जो चीज डिमांड में है, जो चीज फैशन में है, उसकी डिमांड ऑटोमेटिक क्या रहेगी बेटा, हाई रहेगी। बात समझ में आ गया? देखिए एग्जांपल भी आपका लिखा है, देयर इज द ग्रेटेस्ट डिमांड फॉर द एलसीडी एंड एलईडी टेलीविजन एंड मोर पर्सन आर डिस्कार्डिंग देयर ऑर्डिनरी टेलीविजन सेट। यानी पुराना टेलीविजन सेट अब नहीं लेना चाहेंगे, और ये एलसीडी और एलईडी टीवी लेना ज्यादा क्या करेंगे बेटा, पसंद करेंगे। ये टेस्ट एंड प्रेफरेंस समझ में आ गया। चलिए अगला पॉइंट देखते हैं। अब अगला पॉइंट हमारा क्या है, कहता है कि डेमोन्स्ट्रेशनल इफेक्ट, या जिसे हम लोग ब्रांड वेगन्स इफेक्ट कहते हैं। ये जो ब्रांड शब्द सुना होगा आप लोगों ने ना, ब्रांड सुना है कि नहीं सुना है, क्या होता है ब्रांड? बड़ी खतरनाक चीज होती है बेटा। ब्रांड का मतलब आप समझ लीजिए गुडविल से है, ब्रांड का मतलब समझ लीजिए आपके किससे है, गुडविल से है, ठीक है। जैसे ये दो मोबाइल रखे हैं, ठीक है, ये दो मोबाइल की स्क्रीन है, ठीक है भैया। अच्छा, एक छोटा मोबाइल है, एक बड़ा मोबाइल है, आपको देख के क्या लगता है कि सबसे महंगा कौन सा होगा, छोटा वाला या बड़ा वाला? अभी तो मैंने कोई ब्रांड बताया नहीं है, कोई कंपनी बताई नहीं है, सिर्फ आपसे पूछ रहा हूं कि आपको देख के क्या लग रहा है कि सर कौन सा मोबाइल महंगा होगा, छोटा वाला या बड़ा वाला। ज्यादा से ज्यादा आप लोग पिक करेंगे सर बड़ा वाला, क्योंकि सर बड़ी स्क्रीन है, बड़ी स्क्रीन है तो बड़े सारे फीचर भी होंगे, छोटी स्क्रीन है यानी छोटे छोटे फीचर होंगे। लेकिन अभी इसी मोबाइल को आप टर्न करके देखो, एक मोबाइल पे कटा हुआ सेब बना था और एक पे खाली ये लिखा था, अब बताओ अब महंगा कौन सा है, ये कटा सेब वाला, ये कटा सेब वाला, या फिर ये कंपनी वाला? सर ये सेब, कटा सेब वाला। यानी यही होती है बेटा ब्रांड वैल्यू, इसी को हम क्या कहते हैं, ब्रांड वैल्यू। यानी जब कोई कस्टमर
ब्रांड कहते हैं ना कि हम ब्रांड वाला कपड़ा पहनते हैं, हम ब्रांड वाला जूता पहनते हैं, हम ब्रांड वाली घड़ी पहनते हैं, ठीक है। एक एक एग्जांपल देता हूं, एक मूवी मैंने मैंने देखा था, एक हीरो था, उसने रोलेक्स नाम की घड़ी पहनी थी। अब रोलेक्स की जो घड़ी होती है बेटा, अमूमन आपकी बड़ी महंगी बिकती है, 80,000-90,000 से उनकी स्टार्टिंग होती है। और एक दूसरा व्यक्ति था, उसने भी घड़ी पहनी थी, उसकी घड़ी का दाम 200 रुपया, इसकी घड़ी का दाम मान लो 80,000 रुपया। तो इस 200 वाले ने यह कहा कि भैया मेरी घड़ी भी तो समय दिखा रही है, आपकी घड़ी में ऐसा क्या है? अरे आपकी घड़ी भी समय दिखा रही है, मेरी घड़ी भी समय दिखा रही है, दोनों में अंतर क्या है? तो इस व्यक्ति ने बड़ी सटीक बात की, इसने कहा क्या कि आपकी घड़ी सिर्फ समय बता रही है, लेकिन मेरी घड़ी मेरा समय बता रही है। आपकी घड़ी आपका समय बता रही है और मेरी घड़ी मेरा समय बता रही है। मेरा समय का मतलब है कि मेरा जो समय है वो 80,000 गुना आपसे ज्यादा है, मेरी जो वैल्यू है वो 80,000 गुना आपसे क्या है, ज्यादा है। आप ठहरे 200 वाले, मैं ठहरा 80,000 वाला, तो दोनों में अंतर होगा कि नहीं अंतर होगा बेटा? दोनों में अंतर होगा कि नहीं होगा? अभी आपने देखा होगा मुकेश अंबानी के लड़के की प्री वेडिंग शादी वो थी, सेरेमनी थी, शादी नहीं हुई थी, प्री वेडिंग थी। प्री वेडिंग मतलब शादी से पहले, और 3 दिन का फंक्शन था, और 3 दिन के फंक्शन में ना जाने कितने करोड़ रुपए क्या कर दिए गए बेटा, खर्च कर दिए गए, और एक से एक लोगों को बुलाकर डांस करवाया गया, 75-75 लाख रुपया उनको दिया गया, क्या करने के लिए, 2 घंटा परफॉर्म करने के लिए। तो सीधी सी बात है, ब्रांडिंग यहां पे तो आती है कि नहीं आती? जैसे मुकेश अंबानी, अब ऐसा तो नहीं कि गोरखपुर से किसी बैंड कंपनी को बुलाएंगे, वो तो किसी रिहाना नाम की डांसर को बुला के ठुमका लगवाएंगे ना, क्यों? क्योंकि उनके पास उस हिसाब से पैसा है। क्यों? क्योंकि वो ब्रांडिंग में बिलीव करते हैं। वो किस में बिलीव कर रहे हैं? ब्रांडिंग में। तो अगर कोई कस्टमर ब्रांड ब्रांड की बात कर रहा है, अगर कोई कस्टमर किसकी बात कर रहा है, ब्रांड ब्रांड की बात कर रहा है, तो सीधी सी बात है वो किसकी बात कर रहा है, गुडविल की बात कर रहा है। और मार्केट में जिस गुड्स की गुडविल ज्यादा है उसकी ब्रांड वैल्यू भी क्या है, ज्यादा है, और लोग उसकी डिमांड भी क्या करेंगे, ज्यादा करेंगे, क्योंकि लोगों पर, लोगों को उस पर क्या है, विश्वास है। लोगों को उस पर क्या है बेटा, विश्वास है। बात समझ में आ गई कि नहीं आ गई? बात समझ में आ गई? जैसे मान लीजिए आप टीवी लेने गए, तो जब टीवी आप लेने जाते हैं, एक टीवी जिसे आप कहते हो चाइनीज कंपनी, एक टीवी जिसे कहते हो आप एलजी कंपनी, एक टीवी जिसे आप कहते हो सोनी कंपनी, ठीक है, 3 टीवी का मैंने नाम लिख दिया, एक चाइनीज कंपनी है, एक एलजी कंपनी है, एक सोनी कंपनी है। आपके पास पैसा है तो आप किसको सबसे पहले डिनाई करोगे, आप सबसे पहले किसको मना करोगे कि सर हम ये वाली कंपनी नहीं लेना चाहेंगे? सबसे पहले आप इसको डिनाई कर दोगे कि सर ना ये वाला मत दिखाना, खराब है। फिर आप इन दोनों में कंपैरिजन करेंगे, इन दोनों में क्या करेंगे, कंपैरिजन करेंगे। और पैसा है आपके पास तो जिसकी ब्रांडिंग ज्यादा अच्छी है, मतलब जिसको ज्यादा लोग खरीदना चाह रहे हैं, जैसे मान लीजिए सोनी कंपनी को ज्यादा लोग खरीदना चाहते हैं या एलजी कंपनी को लोग ज्यादा खरीदना चाहते हैं, आप स्वयं पूछेंगे ना कि भैया ये बताइए ये ठीक है, तो दुकानदार भी कहेगा ना भैया ये वाला ले जाओ, यानी इसकी ब्रांडिंग क्या है, ज्यादा अच्छी है, तो प्रेफर भी हम क्या करेंगे, उसी को ज्यादा करेंगे। बात समझ में आ गई कि नहीं आ गई? और खासकर ये जो ब्रांडिंग इफेक्ट होता है ना, ये नेबरहुड या फ्रेंड हाउस को लेकर चलता है। नेबरहुड और फ्रेंड हाउस को लेकर क्या करता है, चलता है। अब आप कहोगे सर ये क्या बात है, और एग्जांपल से समझाते हैं। मान लीजिए आपके मोहल्ले में किसी के घर 4-व्हीलर आई, किसी के घर क्या आई, 4-व्हीलर आई, आपके पास भी पैसा है, जरा बताओ आपका मन करेगा खरीदने का कि नहीं खरीदने का करेगा? अरे आपका मन करे, उससे पहले क्या पता आपके पड़ोसी पर कोई दूसरी गाड़ी लेके चले आए, होता है कि नहीं होता है? होता है। यानी अगर हमारे दोस्त ने ये वाली घड़ी खरीदी है तो हम भी यही वाली घड़ी खरीदेंगे, हमारे दोस्त ने ये वाला मोबाइल खरीदा है तो हम भी यही वाला मोबाइल खरीदेंगे, हमारे पड़ोसी ने ये वाली कार खरीदी है हम भी यही वाली कार खरीदेंगे,
या उससे अच्छे ब्रांड वाली कार क्या करेंगे हम खरीदेंगे। बात समझ में आ गई बेटा? देखिए क्या लिखा है इसमें, पढ़िए। कहता है प्ले द डिमॉन्स्ट्रेशनल इफेक्ट, क्या कहता है, प्ले द इंपॉर्टेंट रोल टू डिटरमाइन द डिमांड ऑफ द प्रोडक्ट। एन इंडिविजुअल डिमांड फॉर द एलसीडी एंड एलईडी टेलीविजन मे बी इफेक्टेड बाय सीनिंग वन इन हिज नेबरहुड और अ फ्रेंड हाउस। जब हम छोटे थे, बचपन में छोटे छोटे जब थे, तो हमारे घर पे फ्रिज नहीं थी, हमको पता भी नहीं था फ्रिज क्या होती है। गांव से आए थे शहर में पहली बार, हमको नहीं पता था फ्रिज क्या होती है। हम तो वही सुराही वाला मटका जो होता उससे पानी वानी पिया करते थे। एक दिन हमारी माता जी गई, देखी, एक तिवारी आंटी हैं, तिवराइन आंटी हैं, उनके घर जाके देखी, अरे भाई साहब फ्रिज। अब उनके दिमाग में क्या घूमने लगा, मटका या फ्रिज? फ्रिज घूमने लगा, मतलब अब उनको मटका का पानी अच्छा नहीं लगने लगा। एक महीने दो महीने बाद फ्रिज आ गई हमारे घर, और फिर धीरे धीरे टीवी भी आ गई, फिर धीरे धीरे डीटीएच भी लग गया। यानी हम लोग क्या कर रहे हैं, अपने आप को इम्प्रूव ही तो कर रहे हैं विद द डिमांड। विद द क्या आपका? डिमांड। बात समझ में आ गई बेटा? चलिए नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं हम लोग। नेक्स्ट पॉइंट है आपका मार्केट डिमांड फंक्शन। लेकिन मार्केट डिमांड फंक्शन से पहले एक बार इंडिविजुअल वाला पूरा एक बार कॉन्सेप्ट फिर से देख लेते हैं। देखो आप लोगों ने इंडिविजुअल में प्राइस ऑफ द कमोडिटी पढ़ लिया, प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स भी पढ़ लिया, इनकम ऑफ द कंज्यूमर भी आपने पढ़ लिया, टेस्ट एंड प्रेफरेंस भी आपने देख लिया, और लास्ट आपने डिमॉन्स्ट्रेशनल इफेक्ट भी आपने क्या कर लिया बेटा, देख लिया। अब हम लोग अपने दूसरे फंक्शन पे चल रहे हैं, और दूसरा फंक्शन हमारा क्या है, मार्केट डिमांड फंक्शन। तो मार्केट डिमांड फंक्शन में सबसे पहला पॉइंट हमारा क्या है, कंज्यूमर फ्यूचर एक्सपेक्टेशन। ध्यान से सुनिए, दूसरा पॉइंट हमारा क्या है बेटा, कंज्यूमर फ्यूचर एक्सपेक्टेशन। देखिए एक चीज जानिए, जो हमारे यहां का कंज्यूमर है, जो हमारे यहां का क्या है बेटा, कंज्यूमर है, उसका फ्यूचर एक्सपेक्टेशन क्या है, उसका फ्यूचर एक्सपेक्टेशन क्या है, ये भी बहुत इफेक्ट करता है मार्केट डिमांड को। अभी आप छोटे हैं, अभी आप लोगों की एज ज्यादा से ज्यादा 18 से 20 के अंदर है, तो आपके पास अभी उतना ज्यादा पैसा नहीं है। लेकिन जब आप 25 से 30 की एज में आएंगे तो आपके पास पैसा आने लगेगा। अभी आप साइकिल से चल रहे हैं, लेकिन जब आपके पास पैसा आने लगेगा तो भी क्या आप साइकिल से चलेंगे, तो भी क्या आप साइकिल से चलेंगे? आंसर है नहीं। अभी आप 200-400 रुपए की शर्ट पहन रहे हैं, 1000 रुपए की आप घड़ी पहन रहे हैं, 500-600 रुपए का जूता या चप्पल पहन रहे हैं, है ना, जेब में आपके 100 या 200 रुपए पड़े हैं। लेकिन जैसे ही आप महीने का 1-2 लाख रुपए कमाने लगेंगे, आपकी एक्सपेक्टेशन वही रहेगी जो अभी है या बढ़ जाएगी? ऑटोमेटिक बढ़ जाएगी कि नहीं बढ़ जाएगी? ऑटोमेटिक क्या हो जाएगी? बढ़ जाएगी। और जब आपकी एक्सपेक्टेशन बढ़ी, तो मैंने आपको, देखो मार्केट में मैंने आपको क्या बताया था कि मार्केट डिमांड क्या होता है, एक इंडिविजुअल कस्टमर की बात करता है या ओवरऑल कस्टमर की बात करता है? ओवरऑल की बात कर रहा है ना। यानी सीधी सी बात है, जब सभी लोग एक्सपेक्टेशन अपनी रखेंगे, जब सभी लोग अपनी क्या करेंगे, एक्सपेक्टेशन रखेंगे, तो मार्केट ऑटोमेटिक बूम करेगा कि नहीं करेगा? अब जैसे अगर आप इसी मार्केट डिसड्यूल को देखो, आप पहले ए कितना डिमांड करता था, 5, बी कितना करता था, 10, सी कितना करता था, तो ऑटोमेटिक डिमांड, मार्केट डिमांड करके, मार्केट डिमांड कितना है, 30 है। मार्केट डिमांड कितना है आपका, 30 है। और अगर आप लास्ट स्टेज पे चले जाओ, तो ए कितना डिमांड कर रहा है, 1, बी कितना कर रहा है, 2, सी कितना कर रहा है, 3, तो भी मार्केट डिमांड कितनी आ गई आपकी, 6। बात समझ में आ रहा है? यानी सीधी सी बात है, एक कस्टमर जो एक्सपेक्ट करता है फ्यूचर में उसको प्राप्त करने के लिए, जो आप क्या करता है, एक्सपेक्ट करता है, जैसे आप लोग बड़े सोचते हो ना, बड़े होंगे तो 4-व्हीलर लेंगे, बड़े होंगे तो घर बनवाएंगे, बड़े होंगे तो यहां घूमने जाएंगे, वहां वहां घूमने जाएंगे, एक्सपेक्टेशन है कि नहीं है, है ना। तो सीधी सी बात है, ये भी आपके डिमांड को क्या करेगा बेटा, इफेक्ट करेगा कि नहीं करेगा, ये भी आपके डिमांड को क्या करेगा, इफेक्ट करेगा। क्या लिखा है, कहता है कंज्यूमर एक्सपेक्टेशन रिगार्डिंग द फ्यूचर प्राइस, रिगार्डिंग द फ्यूचर प्राइस, इनकम सप्लाई कंडीशन,
ईटीसी, यहां पर तीन चीजों को रखा गया है। यहां पे कितनी चीजों को रखा गया है? तीन चीजों को। पहला क्या है बेटा? फ्यूचर प्राइस। दूसरा क्या है आपका? इनकम। पहला क्या था? फ्यूचर प्राइस। दूसरा क्या था आपका? इनकम। और तीसरा आपका क्या है? सप्लाई कंडीशन। तीसरा क्या है बेटा आपका? सप्लाई कंडीशन। तीनों चीजों को ध्यान से समझो, सप्लाई कंडीशन। देखो एक चीज जानो, ये फ्यूचर प्राइस क्या होता है? किसी भी प्रोडक्ट में अगर आपको मैं ये कहूं कि बेटा आज जो आप आलू 10 रुपए किलो खरीद रहे हो, मान लो 20 रुपए किलो खरीद रहे हो, दो दिन के बाद वो 50 रुपए हो जाएगा। आज क्या डेट है बेटा? 28 तारीख। आज जो आलू आप एक किलो 20 रुपए में खरीद रहे हो, 30 तारीख को उसका प्राइस 50 रुपए हो जाएगा। कारण कुछ भी हो सकता है। तो आप जरा बताओ मुझे, क्या आज और कल की डेट में अपने आलू की डिमांड बढ़ा दोगे कि घटा दोगे? जवाब दीजिए, कॉमन पर्सन की तरह सोच के जवाब दीजिए। 28 और 30 के डेट में आप अपनी आलू की डिमांड को बढ़ा दोगे कि घटा दोगे? ऑटोमेटिक बढ़ा दोगे, क्योंकि आपको पता है कि दो दिन के बाद प्राइस बढ़ना है। तो आप अपने पैसे को, क्योंकि आपका पैसा तो लिमिटेड है ना, आपका पैसा क्या है? लिमिटेड है। तो क्या आप महंगा सामान खरीदोगे? नहीं, आप सस्ते होने, आप सस्ता है तो अभी क्या कर लें सर, इसको हम खरीद लें, अभी क्या कर लें, इसको हम खरीद लें। बात क्लियर हो गई कि नहीं हो गई? इसी को कहते हैं हम लोग फ्यूचर प्राइस। इसी को क्या कहते हैं? फ्यूचर प्राइस। और इसी को थोड़ा सा रिवर्स मोड में समझो, उल्टा समझो। जो चीज आज 50 रुपए की मिल रही है, दो दिन बाद मान लीजिए वो 20 रुपए की मिले। जो चीज आज कितने की मिल रही है? 50 में, दो दिन के बाद वो कितने की मिलेगी? 20 में मिलेगी। तो जरा बताइए, क्या आज आप उसकी डिमांड करेंगे? आज डिमांड रोक देंगे आप, डिमांड को क्या कर देंगे? होल्ड कर देंगे आप। जैसे आपने देखा होगा बहुत से लोग ये जो सेल चलती है फ्लिपकार्ट पे या अमेजोन की, उसका वेट करते रहते हैं। आवश्यकता है लेकिन वो वेट करते हैं, सोचते हैं अभी होली का सेल आएगा, दिवाली का सेल आएगा, या कोई अन्य है इंड सीजन का सेल आएगा, तो उसमें चीजें हम किस में खरीदेंगे? सस्ते में खरीद लेंगे। तो इसी को हम लोग कहते हैं बेटा फ्यूचर प्राइस। इसी को क्या कहते हैं हम लोग? फ्यूचर प्राइस। कॉन्सेप्ट समझ में आ गया कि नहीं आ गया? यानी अगर फ्यूचर में वो चीज महंगी होने वाली है, अगर वो चीज फ्यूचर में क्या होने वाली है? महंगी होने वाली है, तो आज ही सर खरीद लो। और अगर फ्यूचर में सस्ती होने वाली है, तो सर आज डिमांड क्या कर दो? होल्ड कर दो। डिमांड क्या कर दो? आज होल्ड कर दो। बात समझ में आ गई कि नहीं आ गई? बात समझ में आ गई? अगला पॉइंट है बेटा इनकम। अगला पॉइंट क्या है आपका? इनकम। यानी सीधी सी बात है सर, अगर इनकम बढ़ेगी तो डिमांड भी हम ऑटोमेटिक बढ़ा देंगे, और अगर इनकम घटेगी तो हम डिमांड भी ऑटोमेटिक क्या कर देंगे? घटा देंगे। इनकम बढ़ी तो बढ़ाएंगे, इनकम घटी तो क्या कर देंगे? घटाएंगे। जैसे सरकार क्या करती है, किसानों को 2,000 रुपए का इंस्टॉलमेंट देती है किसान सम्मान निधि के नाम पे, सही है कि गलत है? तो देखो, जब सरकार पैसा नहीं दे रही थी तो बहुत से ऐसे किसान हैं जो किसानी छोड़ रहे थे, लेकिन अब सरकार उनको पैसा देना शुरू कर चुकी है। तो जब उनको सरकार पैसा देना शुरू कर दी है, एक लोगों को 2,000 और घर में अगर 4 लोग हैं तो टोटल कितना हो गया? यानी 8,000 खेती करने के लिए मिल गया। 8,000 खेती करने के लिए क्या हो गया? मिल गया। पहले तो नहीं था ना 8,000, लेकिन अब 8,000 आ गया। यानी अब हम बीज खरीद लेंगे कि नहीं खरीद लेंगे? अब हम यूरिया खरीद लेंगे कि नहीं खरीद लेंगे? यानी जो जो हमें आवश्यकता होगी हम उसको खरीदेंगे कि नहीं खरीदेंगे? यानी इनकम आई तो हमने डिमांड किया, इनकम नहीं थी तो हमने डिमांड करना बंद कर दिया था। बात समझ में आ गई कि नहीं आ गई? अगला पॉइंट है सप्लाई कंडीशन। अगला पॉइंट क्या है बेटा? सप्लाई कंडीशन। सप्लाई कंडीशन में दो चीजें, एक होता है बेटा शॉर्टेज कंडीशन और एक होता है आपका फुलर कंडीशन। एक होता है शॉर्टेज और एक होता है आपका क्या? फुलर।
देखिए शॉर्टेज क्या होता है, शॉर्टेज का मतलब होता है कि भविष्य में इस चीज की कमी हो सकती है, भविष्य में इस चीज की क्या हो सकती है, कमी हो सकती है, क्योंकि हर चीज हर समय आपके पास उपलब्ध नहीं होगी। जैसे अगर हम क्लाइमेट वेजिटेबल की बात करें, जैसे गोभी हो गया, मटर हो गया, ठीक है, पालक हो गया, तो ये क्लाइमेट पे है, मतलब ठंड आएगी तो हरी सब्जियां आपको मिलेंगी, और ठंड में हरी सब्जियों का जो प्राइस रहता है वो क्या रहता है, महंगा रहता है कि सस्ता रहता है, क्या रहता है आपका, सस्ता रहता है। क्यों? क्योंकि सर इस समय सब कुछ मार्केट में अवेलेबल आपको मिल जाएगा, लेकिन जैसे ही गर्मियां आने लगती हैं, जैसे ही क्या आने लगती हैं, गर्मियां, शॉर्टेज होना शुरू हो जाता है कि नहीं हो जाता है, तो उस समय चीजें क्या होने लगती हैं, महंगी होने लगती हैं, चीजें क्या होने लगती हैं, महंगी। यानी अगर किसी चीज का प्राइस, किसी कोई चीज शॉर्टेज होने लगती है तो उसका प्राइस बढ़ जाता है, और अगर कोई चीज बहुत मात्रा में मार्केट में अवेलेबल है तो उसका प्राइस ऑटोमेटिक, उसका जो डिमांड है वो ऑटोमेटिक क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा, ठीक है, पॉइंट समझ में आ रहा है, समझ में आ गया, सप्लाई कंडीशन क्लियर हो गया बेटा। चलो आगे देखते हैं हम, यानी अगर शॉर्टेज है तो प्राइस इसका हम क्या करेंगे, बढ़ाएंगे। या ये भी हो सकता है कि सर भविष्य में शॉर्टेज हो जाए तो लोग अभी से खरीद के रख लेते हैं, जैसे वो होली वाला, होली से एक दिन पहले वाला कंडीशन है ना, होली से एक दिन पहले वाला कंडीशन, पता है दो दिन बाद नहीं मिलेगा, एक दिन बाद नहीं मिलेगा, एक काम करो अभी ना खरीदना शुरू कर दो, ठीक है बेटा, समझ में आ गया। तो ये आपका मार्केट डिमांड शेड्यूल का सबसे पहला पॉइंट क्या था, कंज्यूमर एक्सपेक्टेशन, यानी सर कंज्यूमर क्या सोच रहा है, यानी कंज्यूमर आपका क्या सोच रहा है, बात क्लियर हो गई बेटा। कहता क्या है आपका, इन्फ्लुएंस द करंट डिमांड इफ द कंज्यूमर एक्सपेक्ट इंक्रीज इन अ फ्यूचर प्राइस, क्या लिखा है, इंक्रीज इन फ्यूचर प्राइस, इंक्रीज इन इनकम एंड शॉर्टेज ऑफ सप्लाई, तीन चीजें, तीन चीजों में, तीन कंडीशन में कस्टमर अपनी डिमांड को बढ़ाएगा। पहले क्या है कि जब उसकी इनकम बढ़ जाए, जब उसकी इनकम क्या हो जाए बेटा, बढ़ जाए, जब फ्यूचर में प्राइस बढ़ने वाला हो, जब फ्यूचर में प्राइस क्या होने वाला हो, बढ़ने वाला हो, या फ्यूचर में उस गुड्स की शॉर्टेज आ जाए, फ्यूचर में उस गुड्स की क्या आ जाए, शॉर्टेज आ जाए, तो ऑटोमेटिक हम ज्यादा से ज्यादा डिमांड करेंगे, हम ज्यादा से ज्यादा क्या करेंगे, डिमांड करेंगे। और इसी को जस्ट अपोजिट कर दो तो हम डिमांड भी क्या करेंगे, फिर कम करेंगे। यानी प्राइस फ्यूचर में क्या होने वाली है बेटा, बढ़ने वाली है, प्राइस फ्यूचर में क्या होने वाली है, बढ़ने वाली है, इनकम मेरा बढ़ेगा, और गुड्स की जो सप्लाई है, गुड्स की जो क्या है, सप्लाई है, उस पर क्या आने वाला है, शॉर्टेज आने वाला है, तो हम डिमांड क्या करेंगे बेटा, ज्यादा से ज्यादा करेंगे, मोर डिमांड, हम अपनी डिमांड को क्या कर देंगे, बढ़ा देंगे। पॉइंट क्लियर हो रहा है कि नहीं, क्लियर हो गया। इसी को उल्टा कर दीजिए, यानी वाइस वर्सा कर दीजिए, यानी आपका जो फ्यूचर प्राइस है वो बढ़ने के जगह क्या हो जाए बेटा, डिक्रीज हो जाए, आपकी इनकम बढ़ने के जगह क्या हो जाए, डिक्रीज हो जाए, जो शॉर्टेज वाला आपको डर था वो शॉर्टेज वाला डर खत्म हो जाए, यानी मार्केट में खूब सामान मिलेगा, तो ऑटोमेटिक आप डिमांड भी क्या करेंगे। बात समझ में आ गई बेटा, चलिए इसको नोट करिए। फिर अगला पॉइंट देखते हैं हम लोग, साइज ऑफ पॉपुलेशन। बात समझ में आ गई बेटा, चलिए नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं, साइज ऑफ पॉपुलेशन, साइज ऑफ पॉपुलेशन। अच्छा एक बात बताओ यार, जिस देश की आबादी ज्यादा रहेगी, जिस देश की आबादी क्या रहेगी, ज्यादा रहेगी, डिमांड भी वहां पे ज्यादा रहेगी, कम रहेगी, ऑब्वियसली ज्यादा रहेगी। यानी अगर किसी कंट्री की पॉपुलेशन क्या है,
ज्यादा है तो उस कंट्री में डिमांड भी क्या होगा, ज्यादा होगा। अच्छा एक चीज देखो, पॉपुलेशन को हम लोग किस में बांट देते हैं, रिलीजियंस में बांट देते हैं। पॉपुलेशन को हम लोग किस में बांट देते हैं, धर्म में बांट देते हैं। अब जैसे इस समय क्या चल रहा है, अभी आने वाले समय में नवरात्र आ जाएगा, तो नवरात्र किससे संबंधित है, हिंदुओं से संबंधित है। तो सीधी सी बात है, बहुत से ऐसे लोग होते हैं जो व्रत रखना स्टार्ट कर देते हैं, 9 दिन व्रत रखेंगे। तो 9 दिन अगर व्रत रख रहे हैं तो व्रत से रिलेटेड जो गुड्स हैं उनकी जो डिमांड है मार्केट में वो बढ़ेगी कि घटेगी, ऑटोमेटिक बढ़ जाएगी। जो पूजा पाठ वाला सामान है उसकी डिमांड ऑटोमेटिक बढ़ेगी कि घटेगी, समझ में आ गया, समझ में आ गया। यानी अगर आप जिस रिलीजन्स में बिलीव कर रहे हैं उस रिलीजन्स का अगर पॉपुलेशन ज्यादा है तो उससे संबंधित जो डिमांड रहेगी, जो कमोडिटी रहेगी, वो आपकी क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। जैसे रमजान चल रहा है तो रमजान में जो खजूर होता है, खजूर देखा सुना होगा आप लोगों ने, सुना होगा देखा होगा यार, क्या लाल लाल होता है, ठीक है, छुहाड़े जैसा ही रहता है, हम लोग छुहाड़ा खाते हैं, वो लोग शायद पता नहीं क्या रहता है, उबाल उबाल के रहता कुछ। तो उसकी डिमांड बढ़ गई है कि घट गई है, बढ़ गई है, क्योंकि लगभग बहुत से सभी लोग क्या रहते हैं, रमजान ही रहते हैं, रोजा उजा रहते हैं, ठीक है। तो डिमांड क्या हो गई, खजूर की बढ़ गई। बात समझ में आ गया, यानी साइज ऑफ पॉपुलेशन, ठीक है, यानी जहां ज्यादा पॉपुलेशन रहेगी वहां पे डिमांड भी क्या रहेगी बेटा, ज्यादा रहेगी। पॉपुलेशन ज्यादा तो डिमांड भी क्या, ज्यादा। पॉपुलेशन कम तो डिमांड भी क्या आपका, कम। बात क्लियर हो गई बेटा। चलिए एक लास्ट पॉइंट देख लेते हैं, कहता है कंपोजिशन ऑफ पॉपुलेशन। देखिए ध्यान से, ये जो पॉपुलेशन है अब इसको कैटेगरी वाइज बांट दिया गया है, कैटेगरी वाइज बांट दिया गया है, मतलब एज वाइज हमने इसको क्या कर दिया है, बांट दिया है। जैसे मान लीजिए आपके देश में 100 लोगों में से, ध्यान से सुनिएगा, 100 लोगों में से 60% लोग बच्चे हैं और जिनकी एज आपकी 0 से लेकर 5 साल है, जिनकी एज क्या है आपकी 0 से लेकर 5 साल है, ठीक है। 20% यंग बच्चे हैं, 20% क्या है आपके, यंग बच्चे हैं जिनकी एज आपकी 5 साल से लेकर मान लीजिए 25 साल है, ठीक है। फिर 20% बाकी आपके ओल्ड लोग हैं, ठीक है, बाकी आपके क्या हैं, ओल्ड लोग हैं। अच्छा एक बात बताइए, जैसे मान लीजिए आप मार्केट में इंटर कर रहे हैं, मार्केट में क्या कर रहे हैं, इंटर कर रहे हैं, आप सबसे ज्यादा कौन सा प्रोडक्ट मार्केट में बेचना चाहेंगे, जो बच्चों को पसंद हो पहला ऑप्शन, जो बड़ों को पसंद हो या जो बुजुर्गों को पसंद हो, जितने बच्चों का आंसर यह है कि सर जो बच्चों को पसंद हो, उनका आंसर एकदम सही है। कारण क्या है कि भैया इनकी आबादी क्या परसेंट है, 60% है, इनकी आबादी कितनी परसेंट है, 60% है। और सीधी सी बात, तो अगर 60% इनकी आबादी है तो इन बच्चों को खिलौना, टॉफी और क्या कहते हैं जो गैजेट आते हैं, डिमांड भी तो उनकी ज्यादा होगी। अभी अभी बताया था पॉपुलेशन जिसकी ज्यादा, डिमांड उसकी ज्यादा, ठीक है, पॉपुलेशन जिसकी ज्यादा, डिमांड भी क्या उसकी ज्यादा। समझ में आया कि नहीं समझ में आया। और मान लो अगर इसी को उल्टा कर दो, बुजुर्गों की संख्या ज्यादा हो जाती इस बार, तो बुजुर्गों से संबंधित हम चीजें बनाना शुरू कर देते हैं। भाई जो बड़ी बड़ी कंपनियां होती हैं वो सबसे पहले इसी को तो एनालाइज करती हैं कि मार्केट में कौन सा पॉपुलेशन ज्यादा है, मार्केट में कौन सी पॉपुलेशन के लोग ज्यादा हैं, फिर उसी आधार पे चीजों को क्या किया जाता है, बनाया जाना शुरू कर दिया जाता है। बात क्लियर हो गई बेटा। चलिए फिर तो आज के लिए फिलहाल इतना ही, अब हम अगली क्लास में मिलेंगे
और अगली क्लास में इसके आगे क्या करेंगे बहुत सारी बातें हम करेंगे। बाकी क्लास कैसी लगी इसके बारे में आप ज़रूर बताइए, अपना फीडबैक हमें हमारे नंबर पे ज़रूर मैसेज करिए। ख्याल रखिए आप सभी अपना। जय भोलेनाथ।